क्यों गया? क्योंकि वह राम को नाम तो तुलसी रो। अपना आंगन में तुलसी रो पौधो हो, अपना घर में बढ़िया भगवान की फोटो जने तस्वीर जने मंदिर होया करे, अपने राम राम करा, राम राम करा तो फल कहीं होगा। आप सब जानो अजर अमर गुण निधि सुत हो, माता जानकी ने वरदान दियो अमर हो जाओ। और हनुमान जी आज भी हैं चारों जुग प्रताप तुम्हारा। और अगर आपने यो सब करियो तो कहीं पतो सारा घर का इधर उधर से हनुमान जी गुजरिया हो, जने उन्हें आराम करने री आवश्यकता लगे, मैं थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा रेस्ट ले लूं। और आपका मुंडा और राम का नाम सुने तो आपके सज्जन समझ ले आपका घर आ जाए हनुमान, हमारा थारो बेड़ो पार हो जाए। कहीं चाहिए सूरज सामी पोल में तानर सी जी पांग्या। उगता सूरज को जो दरवाजो है और अंदर जी का घर में कीर्तन की आवाज आवे, झांज की करताल की मजीरा की जहां आवाज आवे समझ जा जो भगत को गए नरसिंह को। तब पंडित जी चलिया महाराज, तो पंडित जी कहीं विचार करता करता चलिया, अरे नरसिंह तो मोटो सेठ है, मैं जाऊं और जाके नरसिंह से कह दूंगा देखो नरसिंह जी यह पत्रिका तो बाद में झेल लीजो, मारे पहला थोड़ो आटो दे दो, थोड़ो घी दे दो, थोड़ी बादाम दे दो, तो पहला तो मैं सीरो बने न खाऊं, भूख को आयो उसके बाद फिर मैं आटो सामान दाल वगैरह ले हूं, और फिर बढ़िया दाल जाने जो भी मारे यथाशक्ति की भोजन पाऊं, और फिर नरसिंह जी से बात करूं। जो विचार करता करता जा रहा था मैंने दाल बनाऊं कि सब्जी बनाऊं, जो यो मन में विचार हो बड़ा सेठ घर जा रहा है। अब जाते 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 महाराज हवेली ही हवेली की सीढ़ी चढ़िया, हवेली की सीढ़ी चढ़िया और हवेली की सीढ़ी का बाद में डेली आवे महाराज कहीं आवे? आवे, आवे अभी तो आप सब समझो कि डेली कहीं होवे, पर आने वाला समय में अपना औलाद अपना बच्चा नहीं समझेगा कि डेली कहीं होवे, समझेगा? माताओं ने जोर आवे पारो काड़ नाम है, ऊपर चढ़ावा ऊपर कहीं चढ़ावा जाने तो डेली घटा दी, पर इन्हें बहुत बड़ो दोष है महाराज। घर में अगर डेली नहीं है तो बाहर ही दूसरा दोष अपना घर में प्रवेश करे, तो घर में डेली होना वो मार्वल है गो महाराज, डेली खत्म हो जाए तो कुछ ध्यान रख। तो जो ही पंडित जी चढ़िया तो मगन, हाँ सीढ़ी चढ़ते 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 जान जान है डेली में ठोकर लगी, धोती उलझ गई, पंडित जी जान सूर्यागम का सबका बीच में जाने गिर गए। अभी सब कीर्तन कर रहा था और कीर्तन में कई कर रहा था, नरसिंह जी तो एक ही भजन गावे हमेशा, कौन सो ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया राखू रे मारा सावरिया, चाकर राखो ओ सावरिया मारा चाकर राखो बनावा ऊंचा ऊंचा महल बना
सा बीच मेरा कमा ऊंचा ऊंचा महल बना सा बीच मेरा कमा जो नीन कसुआ परे मारा सावरिया परे मारा सावरिया क्या कर रहा कोनी ओ सावरिया मारा क्या कर रहा करने सन्यासे जोगी माया जोग करने तप करने सन्यासे जोगी माया जोग करने तप करने सन्यासे जोगी आया जोग करने तप करने सन्यासे जो वृंदावन रा वासे मारा सावरिया वासे मारा सावरिया कर रे सुबाग लगा सो नित उत दर्शन पासो कर रे सुबाग लगा सो नित उत दर्शन पासो चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं सर से चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं सर से
वत्सल्य भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। पाचे फिर के नरसिंह बोलियो क्या ने चढ़ो भार कुकु पत्री लायो हूँ छू नगर अंजा। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय। तो आओ महाराज महाराज पंडित जी आया और पंडित जी आ रहे नरसिंह जी पूछे क्या ने चढ़ो बार तो पंडित जी केवे कुकु पत्री लायो हूं छू नगर। बुढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुकु पत्री लियो अरे रसोई कराला मारे आटो सीधो। नरसिंह जी कहीं केवे देवाने लेवाने रे जोसी राम जीरो नाम तुलसी जी री माला ले ले सेवा साल गरा। अरे भाई देने का लिए तो कहीं है नहीं है सो कर तुलसी की माला ले ले सेवा राम जी की सेवा कर और साधु डारा जोड़े बेट गावो होड़ा होड़ सांझ पेला चोखो भोजन देसी रे रड़ी छो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आओ महाराज हमारे बीच जो अतिथि और भी बाहर से पधारे ग्राम बेलखेड़ी से हमारे गांव घटिया गया उसमें से भी आप जब लोग पधारे हैं और भी राउ से भी पधारे हैं और कर्णावत से पधारे आप सब लोग बहुत बहुत व्यास पीछे समिति से स्वागत है। और आओ ध्यान दो कथा में देवाने लेवाने जो श्री राम जीरो नाम देने लेने का ले तो राम जीरो नाम है तुलसी की माला है। अब पंडित जी नई रीज इतनी देरू में सपना सोच विचार करते करते आ रहे जने सीरो खाऊं हलवो खाऊं जने दाल बनाओ सब्जी बनाओ यो करूं वो करूं ते मारे काड़ो बाटो दे दो मैं तो कई करूं जने देव जिमा सको तो जिमा सको नहीं तो मैं जो अब कुकु पत्री ध्यान दीजो। कुकु पत्री नरसिंह जी देखा तो नरसिंह जी बड़ा आनंदित हुआ। नरसिंह जी ने यानी सोची कि कितो माल मंगायो। नरसिंह जी तो एक ही बात सोची चलो कोई बात नहीं इतो माल मंगायो तो मंगायो पर मारे याद तो करिया। कुकु पत्री बाच नरसी मगन बया मके मारा ब्याया भला याद तो किया। मारा ब्याया भला याद तो किया घर में से बोली मिलता घर श्री नार जी घर में से बोली कुकु पत्री झेलन मुंडो हो गयो तैयार कुकु पत्री झेलन मुंडो हो गयो तैयार तारा तो घर नानी पावही जुवार जी तारा तो घर नानी पावही जुवार जी कुकु पत्री झेलन मुंडो कुकु पत्री झेलन मुझो हो गयो तैयार बोली रे जा चुपके रे जा घर के तो नार जी बोली रे जा चुपके रे जा घर की तो नारे मारा मायरा रो कहीं आयो भार राम जी थारे मारा मायरा रो कहीं आयो नानी बाई रे माई रानी सावरी
पत्री बाचन पत्रिका पढ़ी भजने आंख में आंसू आ गया मां के मारा ब्याया भला याद तो पिता में घर में से बोली नार घर में सु बोली मेता नरसीरी नार कुकु पत्री जलन मोंडियो हो गयो तारा तो घरे ना है पाव ही जुवार तारा घर में पाव जुवार ने कुकु पत्री जलन मोंडियो हो गयो नरसी जी बोलिया बोले रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार अरे थारे मारा मायरा रो कहीं आयो अरे कई बार आयो मैं भरू मायरो तेरा बाप तू थोड़ी मंगो और इस के नरसी जी बड़ा आनंद दियो अब इतना में पंडित जी के ते धणी लुगाई लगने लग गया मारा ऊपर तो ध्यान दो मैं भूख को आयो असो होए नहीं महाराज घर में पामणा आवे ने जने घर में झगड़ो चालू हो जाए घर में बर्तन बाजे तो पामणो समझ जाए जने अपने खटपटे હવે નહીં હવે એક બાર અને એક મહેમાન આયા બામણ આયા તો લુગાઈ કેવો જણે મેં તો ભોજન નહીં બનાવ મારસે જ નહીં સરે ભાઈ તું જણે ફિર કઈ કરા બોલે છે એક ડંડો લ્યાવ જણે ડંડો લઈને મારા કમરામાં આજે તું જણે લકડી લઈને કમરામાં જાવે તો બોલે કઈ કરું લકડી રો બોલે છે એના ગધા માથે મારો ખૂબ જોર જોરું ના તકિયા માથે મારો ઓતે મારો કા તમે ચિલ્લોમાં જોર જોર મારે રે બચાવ રે મારે રે બચાવ રે તો પામણો બિચારો લડે હોય તો ચલી જાય હા મહારાજ ઘણી ગયો બિચારો હેડો સીધો યો તો જા ને જણે તકિયા માથે જોર જોર મારે જે મારે રે તો બચી લાવે મારે રે બચાવ રે જણે મારે રે દોઈ સોચે કે પાવણો સોચી હોગો કે દોઈ તો લડે તો પણ ચલા થોડી દેર હોઈ દોઈ ધણી લુગાઈ કમરા સુ બહાર આયા ધણી કહેવા જણે દેખ મે તારે ગધા મે કિતોય માર્યો તકિયો તો બચ્યો હી કોની લુગાઈ કે હા હા તે મારે માર્યા મે ભી રોઈ કોની પાવણો કે હા હા તે દોઈ જણા ખૂબ લડ્યા પર મે ભી ગયો હી કોની નરસિંહ જી એક તુંબો દિયા કઈ દિયા પંડિતજી કે કઈ હે નરસિંહજી જણે થાને કઈ દુખે બોલે તુંબો બોલે મેં કઈ હે બોલે મેં તો હવા હે બોલે આ હવા હે તો કઈ કરું બોલે ગાંવ મેં જાઉં દેખો મેં તો પુરાણા રોજ માંગણ જવા તો મારે તો દે નહીં થાય નયા નયા પંડિતજીઓ તારે ખૂબ ભેટ દક્ષિણા દે તો જાઓ આટો સીધો દાળ વગેરે લઈને આવ ઓર થે બઢિયા સીધો લઈને આવગા તો મેં તારી ભોજન બના દઉં ઓર થે ભી પાજો ઓર મેં ભી પાલા મેં ભી ચાર દિના સે ભૂખા બેઠા ઓર પંડિતજી કે મેં મારા ગાંવ માથે નહીં માંગ્યો તારા ઘર માંગું તો પંડિતજી તો મહારાજ એ સિક્કે ને રીસ માથે વાપસ અપના અંજાર નગર આગ્યા અઠીને નરસિંહજી ઓ પત્રિકા લેર ભગવાન કન જાવે દ્વારિકા દેખો ધ્યાન દીજો જૂનાગઢ દ્વારિકા જાણા મેં તો ખૂબ ટેમ લાગે તો નરસિંહજી મન મેં વિચાર કરે કે પીપળ મેં ભી તો નારાયણ ભગવાન હોય કા દ્વારિકા કા રસ્તા પે પીપળી હી તો પીપળી રા નીચે જાને ભગવાન કો આવાહન કરે સાવળ છ દ્વારિકા ધીશુ આવાહન કરે ઓર પંથ દ્વારિકા પીપળી ધરી પત્રિકા નરસિંહજી જાય ઓર કર કરુણા નરસિંહ ફિર્યા ઓર જગપતિ શીશ ચડાય ભગવાન જૈસે હી નરસિંહજી પાસે ફિર્યા ભગવાન દ્વારિકા ધીશ પીપળ મેં સે પ્રકટ હુયા ઓર વા પત્રિકા ભગવાન ને અપના સિર પે ચડાય क्यों क्योंकि भगत के तो सदा भगवान सहाय छे आकाशवाणी भी नरसिंह से चिंता मत करो सारा सारो सारो ही काम भगवान सारेगा थे चिंता मत करो अब थोड़ा धन लिया अब मायरा की तैयारी तो फिर भी करनी पड़े महाराज जूनिया वाला ने तो फिर भी किरणों पड़े नहीं तो बाद में कहते तुम्हारे क्या ही नहीं मैं ही थारो कहीं ना कहीं काम कर तो
तो या सब सोच नरसिंह जी परिवार वाला ने भेड़ा करे कि भैया मायरा में कहीं कहीं ले चल लो, कहीं कहीं तैयारी है। अब आपने मायरा रो मतलब कहीं होया करे माँ रो। देखो कल भी जने क्यों कि पहला जमाना में महाराज गरीबी घनी तो छोटी छोटी नानी नानी छोरी रो ब्याह हो जाता तो उना समय में तो कहीं देता नहीं। मारवाड़ी बात बता रही हूँ मैं, तो कहीं देता नहीं तो लोग कहता अरे सा अरे अभी तो कहीं है नहीं व्यवस्था, तो जने हम जने आणो करा जने गोनो करा जदे हम कहीं ना कहीं जो हमारा से होगा तो हम जत करा। महाराज परिस्थिति तो वही होती, छोरी तो जदे ही मोटी हो जाती और जब गोनो करता तो भी वह व्यवस्था नहीं होती कि कहीं करा तो भी कहता कि हमारी छोरी घर कहीं ना कहीं टाबर होवेगा जद हम लावांगा। कोई बात नहीं सा जद लाजो, अब टाबर हो तो भी कहीं नहीं आती। तो कहता हमारी छोरी घर कहीं दोई तो दोईती होवेगा, उनको ब्याह होवेगा जद हम लेना। ब्याह हो तो परिस्थिति तो वही है, फिर कहीं करता तो जब तक वह जो माँ होती छोरी री उसका छोरा भी पढ़ने जाता उसका घरे बिंद नहीं आ जाती तो विचार करती कि हमारी दो छोरी ने मैं ब्याह में भी कहीं नहीं दियो, गोनो करियो तो ही कहीं नहीं दियो, दोई तो दोई थी हुई तो ही कहीं नहीं दियो, अब ब्याह में तो कहीं न कहीं दू तो कहीं न कहीं कहीं दू तो वह माँ अपना तरफ से जो गला में हार रेवे कान में जो रेवे वह रकम एक एक अपनी बेटी ने क्योंकि महाराज छोरा परण का अब तुम्हारे कहीं जरूरत नहीं है तो वह माँ अपनी रकम अपनी छोरी ने देती तो वो कहते महाराज माँ की तरफ से आई हुई चीज के कहता माँ तरफ से या चीज या रकम आई है। आजकल तो जने लाखों ही करोड़ रुपया ही घाले जने मायरा में तो कम पड़े जने आज रुपये ही गणो हो गयो इना भाव रो इको नाम में कहीं मायरो जो माँ तरफ से जो चीज आए वो मायरो। और हर मारी हर बेटी या इच्छा रहे कि महारा घर ब्याह रेवे या महारा घर कोई कार्यक्रम रेवे तो बस महारा पियर को कोई मन का जावे पैसों नहीं देखे कि पैसों लेन आवे माल लेन आवे, बस एक ही भाव रेवे कि महारा पियर तरफ से कोई आ जावे। और एक बात ध्यान रख जो कितनी मोटी व्यवस्था कितनो ही मोटो ब्याह करे पर महाराज उन्हीं बेटी री या उन्हीं मारी या उन्हीं बहू री वह नजर दरवाजा पे रेवे महारा पियर से महारा पिताजी आवेगा मारो भाई आवेगा बस रेवे नहीं रेवे बस यही चाहे या सब सोच कि मारी छोरी मारी बाट जोती है तो श्री नरसिंह जी तैयारी करे मायरा। देखो पहला अगर एक जना के जानो हो तो कहीं करता घोड़ा पे जाता काई पे जाता साधन तो था नहीं और दो जना रे जानो हो तो ऊंट वगैरह इन पे जाता तीन चार जना ने जानो हो तो जने रथ गाड़ी होती घोड़ा गाड़ी होती उसमें जाता और दस बारह जना ने जानो हो तो बैलगाड़ी बैलगाड़ी में जाता। तब तो मायरा रो ले जानो मायरो ले जानो नरसिंह जी सोचे अपन तैयारी तो करा जिन्हें जानो वो जावे जिन्हें नहीं जानो वो नहीं जाए तो अपना कन तो कहीं है नहीं अपन मांगने चला तो आओ कवि आगे लिखे बोले भक्तवत्सल्य भगवान जय हो। नानी बैरा मायरा रो बीरा जस लो जे नानी बैरा मायरा रो बीरा जस लो मायरे चला चा बीरा गाड़ी हो तो क्यों राम जी मायरे चला चा बीरा गाड़ी हो तो क्यों गाड़ी जो होती तोरे नरसी देता तो खरा होती तो नेता तो पैरावा का टूट गया ने पछवाड़े पड़ा राम जी पैरावा का टूट गया ने पछवाड़े पड़ा पैरों से उठ बोलियो पैरा देता तो करा है पैरों से उठ बोलियो पैरा होता तो गई ने टूट गया है अरारा कुटिया बाकी टूट गई टूट गया बीणन चूड़न नरसे भेड़ा तो किया बीणन चूड़न नरसे भेड़ा तो किया गाड़ोले तो मिल गई अब बेलिया गाड़ोले तो मिल गई Oh, my God.
आटा मेरा बेल्या हो तो दो होता तोर नरसी देता तो खरा जी भेलिया होता तो नरसी देता तो खरा नातावा की खोल लेने गोयरे खड़ा राम जी नातावा की खोल लेने गोयरे खड़ा ओ उठो मारा बेलिया से भजो राम राम जी उठो मारा जो राम राम नानी बाई का मायरा रो सार जी जो काम राम जी नानी बाई का मायरा रो सार जी जो काम ओ नानी बाई रा मायरा रो कारज करो जी नानी बाई रा मायरा रो कारज करो जी दो सार दस दिन पचाई जी दो चार दस दिन पछाई भरो टूटे मिल गई गाडोली ने बोड़ा मिल गया जंद जी टूटे मिल गई गाडोली ने बोड़ा मिल गया जंद जी बेलिया रा मुकड़ा माहे दाड़ नहीं हर हर महादेव हर अमरा भाई कर जा भाई से के वे नानी बैरा मायरा रो आपरी भतीजी रो ब्याह वे भतीजी रा यहां दोईती रो ब्याह वे बिराजस लियो मायरे चला छा बिरा गाडी हो तो अब देखो महाराज भाई कने दो दो चार चार जोड़ गाड़ी बेल चले पर भाई कहीं कहे अरे नरसिंह जी गाड़ी होती तो देता पर मारी गाड़ी का तो पैड़ा ही टूट गया बोले कोई बात नहीं बिना पैड़ारी गाड़ी तो मैं पैड़ा पड़ोसी से मांग लू पड़ोसी कहीं कहे पड़ोसी उठ बोलियो पैड़ा देता तो खरा पुटियावा की टूट गई ने टूट गया अरा भाषा तो समझ में आ रही है आप सब जन जानो ये बैलगाड़ी कहीं हो जाकर कोई बात नहीं और टूटी गाड़ी ले ले भी टूटा पैड़ा जन जैसे तैसे कर नरसिंह गाड़ी तो तैयार कर बीनन चुनन नरसिंह भेड़ा तो किया गाड़ोली तो मिल गई अब बेलिया दिया नानी बैरा मायरा रो बीरा जस लियो मायरे चला छा बीरा बेलिया हो तो हमारा भाई कहने चार जोड़ बेल पर भाई कहीं के वे बेलिया होता तो रे नरसी देता तो खरा ना थावा की खोल लीने गोरे या बात अभी जो पुराना मनक बैठा हो कि समझ में आ रही है पर आने वाला समय में उनके समझ नहीं आएगा
क्यों नहीं आएगा? ये पहला गांव में जो रिवाज तो जो बूढ़ो बैल हो जातो, बूढ़ी गाय हो जाती या फिर कोई रोगी पशु हो जातो तो महाराज उके गांव का बाहर एक बाड़ो बनाता, एक गोयो बनाता और उसमें उके राखता नहीं राखता। गांव वाला एक मजदूर करता, एक ग्वाल करता और वो ना सबकी सेवा करता। बूढ़ा बैल ने बेचता नहीं महाराज। और आज देखो अपन किना भगवान की पूजा करा? हाँ गोपाल है ना? गोपाल कौन है? हाँ जो गाय को पालता है वो गोपाल। अरे दिमाग तो घणो है अपना, बिल्कुल तेज चले जाने जदे ही किता अपन सभी, पर वो काम में नहीं लगा। और भेस रखे होके कहेंगे कोई बात नहीं, अपनो व्यापार है करो महाराज। रुका बीच में अगर 10 भेस रख सका, 5 भेस रख सका तो का बीच में एक गाय तो अपन रख ही सका, नहीं रख सका है? भगवान का मंदिर में या भगवान ने 56 भोग लगावा और उन्हें ही भारत देश में महाराज जी भगवान के 56 भोग लगे, उन्हें ही देश में भगवान की मां गाय महाराज कट दिए। लोग बाड़ा में होना जो बूढ़ो बैल हो जाए, बूढ़ी गाय हो जाए, उके बाड़ा में नहीं छोड़े, उके कहाँ छोड़े? हाँ बोलो जोर से। फसे नहीं देना, शब्दों पर ध्यान देना महाराज। परिजन्य नामक देवता चीरदार, परिभाषा कहीं होया करे गाय माता री। परिजन्य नामक देवता क्षीरदार कर्ण प्रदेश में अश्वनी कुमार थनों में लहराते चारों समुद्र और प्रश्न भाग में एकादश महारूप। ललाट में महागौरी माँ पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, जिह्वा पे जिसके सृजन पालन करता, अर्थ धर्म काम मोक्ष जिस माँ के चरणों में, अरे इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में, अरे समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का पार्दुर्भाव हुआ और इस धरती पे माँ शब्द का गो माता से आदर भाव हुआ, इंद्र वंश सूर्य वंश प्रताप। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। अच्छा कौन कौन चाहता है मन से कि गाय की सेवा होना चाहिए? हाँ आधा अभी जो हाथ खड़ा नहीं करे इनसे पूछो तो तू कोई चाहे थारी गई मन में है? बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। हमारे बीच जो सुनकर से हमारे माता जी पधारे हैं उनकी ओर से एक बीघा जमीन का सहयोग को सेवा तत्वावधान में जो नारायण दास को सेवा तत्वावधान का जो हमारा मिशन है तो संकल्प है। हमारा कोई मिशन विशन नहीं है, यह बात मत सोच जो आप, भगवान की इच्छा है। और हमारा गांव का जो लोग यहाँ आया है भी हमारे अच्छे से जाने, और आप सब भी हमारा गाँव का है वो कहीं ज्यादा दूर नहीं है। तो भगवान की इच्छाओं जो संकल्प है, भगवान की कृपाओं जो संकल्प लियो है तो भगवान ही ना संकल्प के पूरो कर सके। तो उसका बाद में कुछ नाम घोषणाएं हैं, एक एक गज दो दो चार चार गज भूमि के जो सहयोग है उसका पुनः अपन कथा करने आए। उपस्थित सभी धार्मिक बंधुओं, माता और बहनों, एक बहुत ही विशेष रूप से आपके लिए, क्षेत्र के लिए, गांव नेवरी के लिए और समस्त आसपास के गांवों के धार्मिक बंधुओं के लिए बड़े ही खुशी की बात है, बड़े ही हर्ष की बात है कि
आज यहां ग्राम नेवरी में नानी भाई का मायरे का जो कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें व्यासपीठ पर जो हमारे पास के ही ग्राम घटियासुर के शिवम बापू जी महाराज का एक संकल्प है कि गांव घटिया के समीप एक गौशाला का निर्माण हो, जिसका आपने नाम रखा है श्री नारायण जी नारायण दास जी गो सेवा धाम घटिया, जो कि पूज्य बापू जी के दादाजी हैं। उस गौशाला के लिए जिन लोगों ने दान राशि दी है उनमें 81,000 रुपए श्री ओम जी जोशी बूंदी राजस्थान की ओर से प्राप्त हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनका हार्दिक स्वागत करें ताली बजाकर। 21,000 रुपए चंद्रवाल कॉलोनी से प्राप्त हुए हैं हार्ट पिपलिया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपये बद्रीदास जी वैष्णव, यहाँ हार्ट पिपलिया में भागवत कथा हुई थी वहां से प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोर से ताली बजाकर जरा स्वागत करें तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बीघा जमीन की कीमत 2,51,000 रुपये श्री दिनेश जी पाटनी साहब जैन साहब सोनकच्छ, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 5100 रुपये मेरी ओर से प्राप्त हुए हैं। 5100 रुपये अनोखी लाल जी अंबाराम जी पाटीदार साहब मानकुंड वाले विनायक गार्डन नेवरी, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपये मेरे छोटे अनुज भाई प्रदीप जी रावल नारायण जी रावल उनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपये श्री हरि सिंह जी कुंडी वाले घटिया वाले उनकी ओर से प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। रतन सिंह जी सरपंच साहब घटिया गया उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें भी। 1100 रुपये राम प्रसाद जी चौधरी टिलिया खेड़ी उनकी ओर से प्राप्त हुए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश जी रेनीवाल साहब नेवरी उनकी ओर से भी 2100 रुपये प्राप्त हुए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक जी वैष्णव समाज जिलाध्यक्ष मेंडिया उनकी ओर से 1100 रुपये प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें भी। श्री मनोहर सिंह जी पटेल घटिया गया 1100 रुपये उनकी ओर से प्राप्त हुए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये मेरे परम मित्र भाई सतीश जी कानूनगो उनकी ओर से प्राप्त हुए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये बंसीलाल जी वैष्णव कोटा वाले उनकी ओर से प्राप्त हुए, धन्यवाद। इस दान में इस गौशाला के निर्माण में आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी दान दे सकते हैं, और विशेष रूप से सभी धार्मिक बंधु जहां उपस्थित हैं, आसपास के क्षेत्र के उपस्थित हैं, साथ ही 1100 रुपये परम पूजनीय श्री रमेश चंद जी कानूनगो साहब उनकी ओर से प्राप्त हुए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है, इस गौशाला के निर्माण में आप भी अपनी दान राशि अभी यहाँ लिखा सकते हैं।
1100 रुपये पूजनीय ईश्वरी लाल जी मोदी साहब, जो कि हमारी माँ लालबाई फूलबाई जन कल्याण समिति के संरक्षक हैं, उनकी ओर से 1100 रुपये प्राप्त हुए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, गो माता की जय हो। एकली खड़ी वो मीरा भाई एकली खड़ी, जय हो। किने किने बुलाणो भगवान ने, ओ मोहन आवो तो खरी, वो गिरधर आवो तो सरी, माधुरा मंदिर में मीरा भाई एकली। मोहन आवो तो सरी, गिरधर आवो तो सरी, माधुरा मंदिर में मीरा भाई एकली। मोहन आवो तो खरी, मारा गिरधर आवो तो सरी, माधुरा मंदिर में मीरा भाई एकली। मोहन आवो तो सरी, गिरधर आवो तो सरी, माधव राम मंदिर में मेरा बने कली खड़ी। हरि को
प्यारे से हुई है मुलाकात सावरा, सबसे प्यारे से हुई है मुलाकात सावरा, हरी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा, हरी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा, हमारे मनड़े पे पड़गी सारी चाप सावरा, हमारे मनड़े पे पड़गी सारी चाप सावरा, हरे जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा, हरी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। भूल गई मैं मारी सुध बुध तारे, 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 दुखे लागे कोनी दुखे लागे कोनी दूजी कोई बात सावरा, दुखे लागे कोनी दूजी कोई बात सावरा, हरे जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा, हरे जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा, हरे मनड़े पे पड़गी सारी चाप सावरा, पते हर हर महादेव हर। देखो महाराज, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग लगा, बाकी बचा सब जाने कहीं लगा। तो देखो, एक गज भूमि हमने सिर्फ मात्र 1100 रुपए रखा है, अगर कोई ने एक गज भूमि भी सहयोग करना है तो आप काउंटर पर नाम लिखवा सकते हैं। देखो, अपन आटी ने कथा सुना, भगवान को नाम लेवा, दान करा, मंदिर जावा, कीर्तन करा, तो अपना पितृ अपने देखे तो कई सोचता होगा, जनो अपना कुल को नाम रोशन कर, भजन कर, हैं? कहीं करे तीरथ जाए, गंगा जी नावे, काशी जावे, इलाहाबाद भी कुंभ जावे, उज्जैन कुंभ में जावे, जने तो पितृ देखे तो सोचे जनो चलो बढ़िया पुत्र होयो, अपना कुल को नाम रोशन कर, ये अपना कुल। और कोई की औलाद जने ठेका पे भी जाने बैठे, उका पिताजी भी देखता होगा, ऊपर से देखे नहीं देखे, ये कहीं कहता होगा हमारा में ही हुई है, ये नाम रोशन। एक डुबावे ने एक तिरावे, सर्वण बेटो तो एक ही होया।
है तुम्हारा गो माता के सहयोग हितार जिने जिने भाव है जिने जिने लागे सेवा होगी करे और बाकी सब आओ अपन आगे कथा में प्रवेश करा अठीने नरसिंह जी गोया माता आवे और बेल देखे कि जने सब बूढ़ा बेल नरसिंह जी ने देख मन में विचार करे चलो चलो देखो देखो मरता मरता भगवान का दर्शन भगवान का भगत का दर्शन हो गया अपनों तो मरनो सुधर गयो नरसिंह जी आया अरे अरे बेल अभी मरनो नहीं है अभी तो काम करनो है उठो मारा बेलिया थे भजो रामो राम नानी बैरा मायरा रो सार जीजो और मरनो तो सबके ही है मरने की बात करो तो मरनो तो सबके है पर नानी बैरा मायरा रो कारज करो दो चार दस दिन पछाही ए, भगवान रा भक्तरी बेटी रो मायरो ले जाओ थारो उद्धार हो जाए थारो कल्याण हो जाएगा और का बाद में मरोगा सारे मोक्ष मिलेगा धन्य तो हुई है जो भगवान को नाम लिया करे बाकी तो सब महाराज कबीर जी क्या करे वो जीव मुर्दे के समान होता है जो भगवान का भजन नहीं करता हे आंख वो जो राम का दर्शन किया करे हे शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे अरे बेकार है वो मुख बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में मुख तो वह है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरो के कड़ों से नहीं है शोभाए हाथ की हे हाथ जो नाथ का पूजन किया करे और मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में जो प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन हंस के किया करे महाराज सत्य हरि भजन जगत सब सपना उमा कहो में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब तो बेल ने सब ज्ञान रिवाज के नरसिंह जी बेल लाया टूटी गाड़ी मिल गई अब महाराज फिर बीर कन जावे भई कन जावे नानी बैरा मायरा रो बीरा जस लियो चलो भैया मायरा में चला हाँ जने गाड़ी मिल गई बेल मिल गई अब हमारा साथे ही चलो तो भई के वे गरीब का साथे कौन जावे गरीब का साथे जावे तो कहीं व्यवस्था थोड़ी नहीं जो गरीब का साथे तो कोई नहीं जाए भाई कह रहे नरसिंह तने ठाक कोनी कही मारे तो काम गणो तो कोई बात नहीं भैया आप नहीं जाओ तो कोई बात नहीं नानी बैरा मायरा रो बीरा जस लियो साथे नी चलो तो एक एक कपड़ो तो आप साथे नी चलो कोई बात नहीं पर एक एक कपड़ो तो दो मारे तो नहीं छे रे नरसी एक टका की पूछ एड़ी बात के दी कड़वी बहने अरे भाया रा भरोसे थे तो क्यों मुंडाई अरे पायरो ही भरनो तो बेटी करे ब्याह में ही जानो तो साधु क्यों बनियो वही का भरोसे मारे तो एक देने को दानो ही नहीं है जा हार से ऊपर नरसी जी ने मना कर दिया नरसिंह जी के बिरा मैं थारा भरोसे साधु नहीं बनियो मैं थारा भरोसे भगवान को नाम नहीं लियो मैं तुम्हारा सावरिया सेठ का भरोसे भजन करियो सावरिया सेठ का भरोसे नाम लियो अपन आज कथा बैठा कथा सुना भगवान को नाम लेवा तो किका भरोसे लेवा घराड़ा का भरोसे पड़ोसी का भरोसे नहीं अपना भगवान का भरोसे लेवा कि जड़े कथा में जावा कथा में जा भगवान को नाम मुंडाओ आवेगा तो भगवान हमारे भव सागर से पार करे जो इतना भाव रहता है अपन कथा में समय काहू के बल भजन है काहू के विश्वास व्यास भरोसे कुवर के सोवत पावर पसार अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका यूं कहे कि सबके दाता आओ मैं आपके छोटो से संदेश देना चाहूं एक सेठ हो या सत्य घटना है या घटना भक्तमाल की है तो महाराज एक सेठ धर्मशाला में जाने रुकियो संयोगवश में धर्मशाला का पड़ोस में दूसरा कमरा में एक संत मंडली रुकी
महाराज रो कई काम, चार बजे उठने सीताराम 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 चालू, और सेठ को कई काम दो बजे तीन बजे तो नींद आवे महाराज, उठे कितनी बजे? अब अटी ने इनके चार बजे सेठ के नींद लगी होगा और पड़ोस में कीर्तन चालू हो गए तो वहां नींद बिगड़ गई। तो सेठ ने आई रीस और रीस माते सेठ आयो संता कने और संत नाने के बड़े प्रात से संत जन करते सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी नींद। संत के वे भैया हमारा भगवान नींद हराम नहीं करे, हमारा भगवान तो शांति प्रदान करे, नींद प्रदान करे, सुख प्रदान करे, उको नाम तो भव सागर से मुक्ति प्रदान करे। तने कई चावे आज तू खड़ो है भगवान का भरोसे, आज तू खड़ो है जो खा रो है जो पी रो है जो चल रो है सब मारो राम जी तू देवे जले तो तू जी रो है, जी रो है नहीं जी रो है अपन की को दियो खावा। हाँ सेठ के वे तारो राम नहीं देवे मैं तो मारो कमायो खाओ। संत के वे महाराज एड़ी बात मत करो, मारो राम जी देवे तो ही खाओ। बोले नहीं तारो राम जी नहीं देवे मैं तो मारो ही कमायो खाओ। अब बात बढ़ गई, बहस बढ़ गई, तो सेठ ने कहा देख अगर तेरा राम खिला मैं नहीं खाऊंगा तो भी तेरा राम खिलाएगा। बोले हाँ अगर आप नहीं खाओगे तो भी मेरा राम खिलाएगा, और अब तक मेरे राम ने खिलाया है तो आगे भी खिलाएगा। अठी ने सेठ रीस माते के लिए अगर थारा राम में शक्ति है तो आज से 24 तीन दिन की शर्त लगी थी कि मुझे खा के बताए मुझे खिला के बताए, मैं खाऊं ही नहीं तो कैसे खिलाए। संतों ने कहा तीन दिन की बात मत कर सेठ, 24 घंटे की बात कर, 24 घंटे के अंदर अंदर तू नहीं खाएगा तो मेरा राम तुझे खिलाएगा। बोले नहीं खाऊंगा तो भी, बोले नहीं खाएगा तो मारी मारी नहीं खिलाएगा, डंडा मार मार के खिलाएगा पर खिलाएगा। कितनी देर में? बोले 24 घंटे के अंदर। हमारा सेठ सोची अपन गांव से बाहर चलो, मना के नहीं रहे जा रोटी नहीं रहे भाव रोटी कैसे आएगा, गांव का बाहर जंगल में चला गया। सोचे जंगल में अगर कोई घूमते फिर तो आ गयो तो बोले कोई पेड़ पे चढ़ जाओ तो पीपल का पेड़ का ऊपर, पर हरी इच्छा राम जी तो राम जी हो जाता है, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ भगवान राम। उन्हें ही समय पीपल का पेड़ का नीचे पहला बंजारा रहता महाराज, जानो बंजारा? एक बंजारा को झुंड आयो गाड़ी रुकी और सबने अपनी जो गाड़ी में से जो भोजन थो उस सबने अपने अपनो भोजन निकालियो, पत्तल लगाई सब जिमने ही बैठा। उन्हें ही समय घोड़ा का आने की आवाज सुनी, घोड़ा का टाप। बंजारा सोचे कोई डाकू आ रहा चलो अपनो धन छुड़ा लेगा, तो वह लगी लगाई पत्तल छोड़ दी और अपनी अपनी गाड़ी लेर सब रवाना होएगा। मैं अब पत्तल तो लगी है, डाकू आया, डाकू भोजन देखे बढ़िया भोजन लगी, एक डाकू के महाराज देखो देखो कितनो सुंदर भोजन है चलो अपन पाला। डाकू सरदार के वे इना जंगल में थारा लिए भोजन कुल लगावेगा, हो ना हो इना भोजन में अपने मारने की साजिश से इना भोजन में जहर है कहीं है के जड़े में। सरदार जहर मिलाने वाला मुझे मिल जाए तो मैं गोली मार दूंगा। अब बंदूक की गोली की महाराज बात आवे तो ऊपरे से थर 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 पीपल का पत्ता बाजे, पीपल का पत्ता बाजे तो लोग की नजर पड़ गई वहां डाकू की। अब बोले मैं गोली मार दूं सरदार आप आदेश दो, तो ऊपर से बोले बोला मुझे गोली मत मारो, ऊपर से नीचे आयो बोला मुझे गोली मत मारो मैं नीचे आ तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा जो कि वो सब करूं पर गोली मत मारूंगा, संग में रहूंगा सेवा सब करूंगा और बोझ सर पे उठाऊंगा, आपको जो सामान है जो बोझ है सब कपड़ा लत्ता हमारा सिर पे रखूं तुम्हारी सेवा करूं पर मारे गोली मत। डाकू सरदार के कहीं मत कर तू तो रोटी जी ले, शर्त कहीं लगी थी भोजन की नहीं करूंगा। डाकू सरदार कह रहा तू भोजन कर ले बस कुछ नहीं करूंगा, बात कह लो तुम खोटी खरी पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आप सरदार मुझे कुछ भी कह लो गाली दे लो कुछ भी कह लो पर रोटी नहीं खाऊंगा। दो डाकुओं ने दोस्तों पकड़ा और सरदार ने हाथ में डंडा लेके अच्छा तबीयत से महाराज पूछा क्या करा,
हाथ में ले दंड, डाकू सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। एक डंडो लगावे ने फिर मुंडा में रोटी दे महाराज, फिर एक डंडो लगावे ने फिर मुंडा में, रो तो गयो रोटी जिम तो गयो, वारे राम हरी लीला तो अपरम पार है। उसको दर्द उस डंडे का नहीं हुआ, उसको दर्द उन संतों को जो अपशब्द कहा था उसका हुआ। भोजन करने के बाद सरदार ने देखा इसको कुछ नहीं हुआ, बोले तुझे तो कुछ नहीं हुआ, बोले महाराज भोजन तो अच्छा, तो तू कर क्यों नहीं रहा था, बोले भोजन इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरी शर्तें लगी थी, बोले क्या शर्तें लगी थी कि मुझे भोजन नहीं करना, सारी बात बता दी महाराज। वो बात सुनकर उन डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया और सेठ के साथ उन संतों के पास आए, दीक्षा ली, भजन करने लगे। उस सेठ का नाम हुआ, संतों ने रखा मलू, क्या नाम रखा, और मलुकदास जी महाराज के कई दोहे हैं, कई दोहे, पर उसमें से एक प्रचलित दोहा है, कौन सा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न का, दास मलुका यूं केवे कि सबके दाता। सारी चिंता तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके, जो होनो होनी तो होके रहेगी, होनी ना हो तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके। भाव भगत क्यों बने, बोले भगवान का भरोसे। नरसिंह जी ने भाई के तुम्हारा भरोसा साधु क्यों बने, नरसिंह जी के थारा भरोसे नहीं, मैं तुमका भरोसा। पर भगवान से हाथ में करताल वीणा रे, नरसिंह जी कहीं के वे, बोले भक्त नरसिंह मेहता जय हो, थारे भरोसे सावरा तंबूरो बजायो, थारा भरोसे तो जग के हसायो, माहेरारी बेला अब आजा प्यारा दो, मायरो भरेगा म्हारो यो प्यारो नंद किशोर, मायरो भरेगा म्हारो यो प्यारो नंद किशोर। के आगे में उब कर जोड़, कहिया के आगे में उब कर जोड़, मारो भरेगा मारो यो नागर नंद किशोर, मारो भरेगा मारो यो प्यारो नंद किशोर। हरे भरोसे सांवरा निनी ने बनाए, तारा भरोसे तो करो रे जमाए, तारा भरोसे सांवरा निनी ने बनाए, तारा भरोसे करो रे जमाए, माहेरा री बेला अब आजा प्यारा दोड़, मारो भरेगा मारो यो नागर नंद किशोर, ओ मारो भरेगा मारो यो नागर नंद किशोर। Thank you.
तुम्हारी चोटी तो आजा प्यारा दो तुम्हारी चोटी तो आजा प्यारा दो मारो बरेगा मारो यो नागर नंद किशोर मारो बरेगा मारो यो नागर नंद किशोर पते हर हर महादेव हर तो आओ महाराज भाई से या बात कर नरसिंह जी आवे घर जने कहीं ले जावा साथे मायरा में खाली गाड़ी तो ले जानो शोभा को नहीं दे तो सोलह सूर्या से जने जो सूर्या रहे तो संताओं पूछे चलो संता नानी बेरा मायरा में चलो कहीं संता मना कर दे बोले अठे कहीं अपन उठे ही चला उठे कीर्तन करा उठे ब्याह को घरे अपन मायरो ले जावा जने मायरो ले जाओ उठे बढ़िया रसोई मिले चलो महाराज तो सूर्या सब सूर्या ने राजी कर सब संता ने राजी कर नरसिंह जी गाड़ी में तुम्बा तुम्बी लेवे कपड़ा लत्ता की जगह टोपिया ने लंगोटी लेवे बर्तन की जगह पे तुम्बा ले लेवे और नरसिंह जी गाड़ी भगवान का भरोसे अपन की का भरोसे गाड़ी चलावा भगवान का भरोसे और जी की गाड़ी भगवान का भरोसे चले महाराज की गाड़ी भले ही टूटी वो वह पार तो हो जाए और जी की गाड़ी खुद का भरोसे चले भले ही गाड़ी नवी हो जावे नहीं पा जावे कहीं अरे रावण सरिका की नहीं गई तो जने नरसिंह जी भगवान का भरोसे गाड़ी हाक दी और जो ही गाड़ी हाकी अब बेल तो ऐसा मिले बूढ़ा एक बेल दो कदम चले तो बैठ जाए उके उठावे जो बैठ जाए अब गाड़ी में कितना मनक बैठ सके बैलगाड़ी आप सब देखी कितना मनक बैठ सके अब 16 जना बेटा टूटी गाड़ी में और एक नरसिंह जी 17 अब बताओ गाड़ी टूटी पहले और पहले ही टूटी गाड़ी में जने कहीं चले तो नरसिंह जी भगवान सुगुवार करे साधु संत साथे मारे गादी ना रजाए जंगल में जाने गाड़ी बिखर जावे महाराज जद में ता नरसिंह जी ने करुणा करी द्वारिका में सोया सोया जागिया बोले भक्त वत्सल्य भगवान जय हो और भगवान देखो ध्यान दो ठाकुर जी आदि रात रमाते श्री विश्वकर्मा जी कने आवे और विश्वकर्मा जी की आवाज लगावे अरे वो विश्वकर्मा जी सुनो कहीं विश्वकर्मा जी बाहर आया अरे प्रभु इतनी रात रा माथे आप आया क्यों परेशान हुआ मैं आ जा तो बोले नहीं नहीं अभी बात करने को समय नहीं है अभी थारा आप सब जानो विश्वकर्मा जी कने कहीं औजार रेवे हथोड़ी न कहीं कील न कहीं बोले प्रभु आपको कई काम है मैं ही कर दूं बोले नहीं नहीं दुनिया वालों को काम रेवे तो मैं और कोई से करा दूं पर मारा भगत को काम है तो मैं खुद ही करने तो भगवान ठाकुर जी एक झोड़ो बनावे अपना झोड़ा में सब चीज रखे और अपना खांदा पे लेर भक्ता की गाड़ी का पीछे पीछे जा ने हाको पाड़े और हाको पार ने केवे रुको भक्त रुको मैं भी थारा साथे चलो रुको भक्त रुको जने केवे
वे रागे कवि लिखे है। घनी दूर से दौड़ियो ओ थारी गाडू लिखेला, किने किने बैठनो गाड़ी में, मायरा ही गाड़ी में किने बैठनो, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर ठाले रे बाबा जानो है नगर ठाले रे बाबा जानो है नगर। कपड़ा नाही बेठ सिया मरसी, ओढ़न कपड़ा नाही बेठ सिया मरसी, बूढ़ा बेल टूटोरी गाड़ी पैदल जावे हाँ, बूढ़ा बेल टूटोरी गाड़ी पैदल जावे हाँ, अर 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 पैदल जावे हाँ, अर 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 पैदल जावे हाँ। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर। Oh,
गणपति हर हर महादेव हर। आओ महाराज देखो मैं आप सबसे एक ही भाव कहना चाहूं, जो भगवान का भरोसे होके चले, भगवान की शरण जावे, उसको हमेशा हर पल हर समय भगवान ध्यान रखा करे महाराज। आइए कुछ विशेष सूचना है कल के लिए। आप सभी भक्तों को और माताओं बहनों को विशेष रूप से सूचना है कि कल माहेरा भरा जाएगा, उसमें आप घर से उस तैयारी से आए। महिलाओं को तो विशेष रूप से पता है कि माहेरे में क्या होता है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या लाना पड़ता है, तो उस हिसाब से तैयारी से आप आएंगे। साथ ही कल का अंतिम दिवस है, उसमें पुनः आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, प्रार्थना है कि अधिक से अधिक तादाद में आप आकर कथा का श्रवण करें। आसपास से क्षेत्र से समस्त सेतखेड़ी, मऊखेड़ा, कोनासा, घटिया, मानकुंड, मऊखेड़ा, अरलावदा, कजलीवन के सभी भक्तजन आप यहाँ पधारे हैं, हम आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में प्रतिवर्ष इसी प्रकार के आयोजन इसी प्रांगण में होते रहें, उसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है और सहयोग भी प्रार्थनीय है। अभी कुछ और दानदाताओं ने गौशाला के लिए अपनी सहमति जताई है, उनके नाम इस प्रकार है। स्वर्गीय श्री महंत नारायण दास जी आश्रम गो सेवाधान में दानदाताओं ने जो दान दिया है वह द्वितीय श्रेणी में इस प्रकार है। श्री गोवर्धन लाल जी पांचाल नेवरी वाले 1100 रुपए, श्री संदीप जी जोशी नेवरी 1100 रुपए, स्वर्गीय श्री डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जोशी की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा श्री राहुल जी जोशी नेवरी 1100 रुपए, 500 रुपए श्री हरि सिंह जी राजावत शिवपुर मुंडला वालों की ओर से प्रतिवर्ष 500 रुपए गायों के लिए चारे के लिए गौशाला में दान देने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। 5000 रुपए सुशील कुमार जी, रमेश जी वैष्णो कोटा राजस्थान वालों की ओर से गौशाला हेतु दान की राशि प्राप्त हुई है। 1100 रुपए श्री अनिरुद्ध सिंह जी सरपंच मऊखेड़ा उनकी ओर से, 1100 रुपए श्री शंकर लाल जी हरिओम घटिया गयासुर वाले की ओर से, 1100 रुपए श्री कालूराम जी मालवी घटिया गयासुर वालों की ओर से, 1100 रुपए बत्तूलाल जी घटिया गयासुर वालों की ओर से और 1100 रुपए स्वर्गीय प्रेम शंकर जी द्वेदी की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा श्री नीलेश जी त्रिवेदी की ओर से दान राशि प्राप्त हुई है। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कल नानी भाई का मायरा हम सभी को लेके चलना है, इसमें जो भी श्रद्धालु अपनी ओर से मायरे में दान की राशि अन्नदान वस्त्रदान जो भी लेकर आए सभी का स्वागत है। धन्यवाद। श्री राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। संकट से जो हमारे मम्मी जी बता रहे हैं आप बहुत बड़े प्रखर प्रवक्ता भी हैं,
और आपकी कई पुस्तकें लिखी गई हैं, आपने कई रचनाएं भी की हैं, तो आप उन रचनाओं में से एक गुरु वंदना यहाँ हमारे गुरुदेव के लिए आप करें, यही हमारी विनती है। और उसके बाद महाआरती, आज कथा को अठनी विराम कर उसके बाद महाआरती हो जाएगी। Thank you.
नगरी हो लागे वृंदा बने हमें आए हो धन्य हो गई नेवेरी नगरी हो लागे वृंदा बने हमें आए हो धन्य हो गए यह नर नारी मिले मंगल गीत वे गाए हो धन्य हो गए यह नर नारी मिले मंगल गीत वे गाए हो सब भक्तन लागे ऐसे हो सब भक्तन लागे ऐसे हो जैसे ग्वाला आए रे हो ब्रज के लाला तुम्हें लाला तुम्हें हम मिलके मनाए जो कर्म किए लाला हमने प्रभु उनकी प्रभु उनकी केसर घोले रे माधव उनकी केसर घोले ओरे तोरे संग होरी खेले रे माधव उनकी केसर घोले ओरे तोरे संग होरी खेले रे माधव तोरे संग होरी खेले रे लाला तोरे संग होरी तुझे रंग में रंगाए रे हो तेरे रंग में रंग जाए रे हो द्वारिकाधीश भगवान की जय यजमान आरती के लिए पधार जाएं और आप सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं सभी दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे अष्टमी के तन का जय जगदीश हरे माच पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसके स्वामी शरण गहूं में किसकी मैं बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी
सबके स्वामी जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता ಅಭಿವಂದನಂ ಆಶಿಸೋದ್ಧರಣಂ ನೀಲಾಂಜಲಿ ಗ್ರಹಣಂ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಓಂ ಯಜ್ಞಹೇನ ಯಜ್ಞಮಯ ಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಾತೇಹನಾಕ ಮಹಿಮಾನಃ ಸತ್ರೇತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಯ್ಯಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರುಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾನಿ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ವೈಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ ಶ್ರವಣೋ ದಧಾತು ಕುಬೇರಾಯ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಬಹಿರಾಜ್ಯಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ಮಹಾರಾಜಮಾಧಿಪತ್ಯಮಯಂ ಸಮಂತ ಪರ್ಯಾಯೈ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಭೌಮಃ ಸರ್ವಾಯುಷ್ಮಂತಾರದಾತ್ ಪರಾರ್ಧಾತ್ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸಮುದ್ರ ಪರ್ಯಂತಾಯ ಏಕರಾಡಿತೇ ತತಪ್ಯೇಷಸ ಲೋಕೋ ವಿಗತೋ ಮರುತಃ ಪರಿವೇಷ್ಠಾರೋ ಮರುತಸ್ಯಾವಸತ್ರಹಿ ಆವಿಶ್ಚಿತಸ್ಯ ಕಾಮಪ್ರೇರ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಸಭಾಸದೈತಿ ಓಂ ಏಕದಂಡಾಯ ವಿಧಮಹಿ ವಕ್ತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ಚ ವಿದಮಹಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದಮಹಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ
ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा ध्याना परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षायां पदे पदे।